वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हो गए हैं इस लॉ की वजह से, यूपीज एंटी कन्वर्शन लॉ। तो रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा, जो मदन बी लोकुर जी हैं, एक जो रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि जो भी एंटी कन्वर्शन लॉ लाया गया है यूपी में, वो के नॉट बी सस्टेंड है, सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके वजह से कई सारे मिसयूज होना शुरू हो चुके हैं पुलिस की वजह से, राइट। तो इस लॉ को हम डिस्कस करेंगे और जो रिसेंटली ऑर्डिनेंस के द्वारा इस लॉ को लाया गया था, उसमें क्या क्या प्रोविजन्स हैं और क्या क्या ऑथर क्या कहते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स या कोर्सेस जानकारी चाहिए, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में आपको मदद मिलेंगे। कई सारे कोर्सेस हमारे एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं और उसमें आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस भी रहेंगे। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कोर्सेस को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो जस्टिस मदन बी लोकुर, इन्होंने इस लॉ को क्रिटिसाइज किया है, ये कहते हुए कि लॉ में कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं, कई सारे डिफेक्ट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, देन इट इज़ नल एंड वॉइड कहते हैं लॉ को, बिकॉज इनके कॉमेंट्स को लेना ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी के भी जज रह चुके हैं। अगर आपने देखा होगा, हाल ही में ये भी न्यूज़ में रहे थे कि वन मैन कमिटी बनाई गई थी रिगार्डिंग स्टबल बर्निंग, राइट। स्टबल बर्निंग को रिलेटेड भी वन मैन कमिटी इन्हीं के अंडर बनाई गई थी। तो इनके जो व्यू पॉइंट्स आए हैं आज के आर्टिकल में, तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक इन टू पॉइंट, राइट। तो उन्होंने ये कहा है कि जो रिलीजियस कन्वर्शन ऑर्डिनेंस जो पास किया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और विलीफाइज करता है इंटरफेथ मैरिज को, और बेसिकली जो की राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के तहत बताया गया है कि हर कोई अडल्ट जो है, इसका राइट होता है कि अपने लाइफ पार्टनर को चुने, उसको कम्प्लीटली वायलेट कर रहा है। बिकॉज दिस लॉ जो कन्वर्शन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन बताया जा रहा है थ्रू मैरिज, इट कम्प्लीटली वायलेटिंग इट। इसके वजह से कई सारे केसेस अभी दर्ज हुए हैं और अलाहाबाद के हाई कोर्ट ने भी डिमांड की है कि यूपी गवर्नमेंट के प्रॉपर रीज़न दे कि क्या बेसिस पे इन लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है और इनका जो स्टेटमेंट क्या इन्होंने दिया है आर्टिकल में, ऑथर क्या कहते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था फॉर इमीडिएट एक्शन, तो देखिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता हूँ। तो ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, उस वक्त अवेलेबल ना हो, और ऐसी एक अर्जेंसी आ जाए उस कंट्रोल करने के लिए, एक लॉ की ज़रूरत पड़े, तब गवर्नर के पास एक पावर रहता है कि ऑर्डिनेंस पास कर कर उस लॉ को आप लागू कर सकते हैं, राइट। इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, बट हवेवर वी हैव टू सी द अर्जेंसी कि कितनी इंपॉर्टेंट है। बट हवेवर कॉन्स्टिट्यूशन जब पास किया जाता है, जब कोई इमीडिएट एक्शन हो, जब विधानसभा सेशन में ना हो, इसका मतलब नहीं है कि आप कोई भी ऑर्डिनेंस को पास कर दें, राइट। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया कि कोई भी इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं है उतना, कोई लॉ एंड ऑर्डर तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और हवेवर विधानसभा भी आप सेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नर को फोर्स करें कि सर्टन लॉज को पास कर दें। बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ऑर्डिनेंस अभी पास किया गया है, उसके वजह से कई सारे अब्यूज एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए जा रहे हैं, राइट। कई सारे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, बुलिंग की जा रही है उनको, विदाउट एनी वारंट अरेस्ट किया जा रहा है। सो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी ऐसा इरादा नहीं है हमारा रिलीजियस कन्वर्ट करने का, बट हवेवर इफ यू सी बोथ द पीपल ऑफ ऑपोजिट रिलीजन, एक लड़का लड़की को अगर आप देख रहे हैं, सो इवन दो लड़का मुस्लिम है और लड़की जो है हिंदू है, तो वी आर आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी काइंड ऑफ कम्युनिटीज हियर। मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ ये दोनों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस, कोई थर्ड पर्सन आपको कंप्लेंट कर दें कि दिस बॉय इज टेम्पटिंग दिस गर्ल टू कन्वर्ट इन टू हिज रिलीजन, राइट। दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज नॉट द बेसिस कि आप इसको अरेस्ट कर ले, डिटेन कर ले, और लॉ के तहत ये भी बताया गया है कि इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और आप विदाउट वारंट भी इसको अरेस्ट कर सकते हैं।
सो दिस आर द प्रोविजंस विच आर प्रोवाइडेड. मैं आगे डिटेल प्रोविजंस के बारे में हम बात करेंगे. राइट, सो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. राइट, प्रॉपरली इसको नल एंड वॉइड करना चाहिए बिकॉज इट क्रिएटिंग ए मिस इंटरप्रिटेशन अमॉन्ग द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. राइट, और ये जो ऑर्डिनेंस पावर है इसका भी मिसयूज किया जा रहा है, ऐसा हमारे ऑथर का जो कहना है. बट हाउएवर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के, तो आप जैसा आपको सही समझे आप समझ सकते हैं कि आप भी अपने राय व्यूज को पेश कीजिए कि ऐसा ऑर्डिनेंस लाना ज़रूरी था क्या, वैसी इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी था या उतनी अर्जेंसी थी यूपी गवर्नमेंट में कि ऑर्डिनेंस पास करना. राइट, तो चलिए बेसिक्स के तरफ थोड़ा कुछ ध्यान ले लेते हैं हम. ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं. तो आर्टिकल 213 ये कहता है कि एक प्रॉपर पावर दिया गया है गवर्नर को कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं व्हेन व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन, और जहाँ पे कई सारे स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल पे रहता है, देन व्हेन बोथ ऑफ दिस आर नॉट इन सेशन तब आप इस लॉ को पास कर सकते हैं, इस ऑर्डिनेंस को पास किया जा सकता है, और उसी ऑर्डिनेंस को आप ला सकते हैं जिस ऑर्डिनेंस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट, जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके उसके पे जो लॉज बना सकती है उसके पर आप ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है. और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए. कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह से गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि जितने भी बिल्स पास करते हैं वो विथहोल्ड कर सकता है. राइट, वो विथहोल्ड कर सकता है ताकि प्रेसिडेंट के लिए वो भेज सकता है प्रेसिडेंट के राय मशोरे के लिए रिकमेंडेशन के लिए. बट हाउएवर दिस ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर, इट कंपल्सरी हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राइट, और जैसे मैंने आपको बताया, और उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑर्डिनेंस लाना चाहिए जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर इंडियन पार्लियामेंट जो भी है लॉस बना सकते हैं. इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक द लॉस, इन केस ऑफ स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉस. और दूसरी बात यह है कि जो भी ऑर्डिनेंस अगर आप लाएंगे इट शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, ये भी इस लॉ के तहत वायलेट हो रहे हैं बिकॉज आर्टिकल 21 में क्लियरली कहा गया है कि राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर. राइट, तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स भी इसमें वायलेट हो रहे हैं, इसीलिए कई सारे आलोचनाएं आ रहे हैं. हमारे ऑथर भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा इनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं. ओके, क्या क्या राइट्स वायलेट हो रहे हैं इस आर्टिकल के सेक्शंस के तहत. राइट, और ये ऑर्डिनेंस जो है आपको मैक्सिमम लाइफ इसकी आपको 6 मंथ से लेकर 6 वीक्स तक, यानी मिनिमम 6 वीक्स से लेकर 6 मंथ तक आपको इसका पीरियड रहेगा. अगर ऑर्डिनेंस पास हो गया बाद में हाउस सेशन में आ चुका है और दोनों हाउस ने मिलकर ये कह दिया कि हम इसको डिसअप्रूव करेंगे, देन इट विल बी लैप्स, लैप्स हो जाएगा वो. राइट, और विद इन 6 वीक्स के अंदर जब हाउस सेशन में आएगी विद इन 6 वीक के अंदर कोई भी एक्शन भी ना ले तो ऑटोमेटिकली इट विल बी सीजस, सीजस टू एग्जिस्ट. राइट, सो दिस आर द फ्यू बेसिक्स ऑफ ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर. इट कम्स अंडर द आर्टिकल 213, वेरी इंपॉर्टेंट है कौन से आर्टिकल के नीचे आता है आपको, आर्टिकल 213, ये भी अच्छे से याद कर लीजिए आप. राइट, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं. और कब ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, जब कोई भी सेशन या कोई स्टेट्स में आपको बोथ सेशन है तो दोनों सेशंस भी अगर आपको जो है वर्किंग ना हो उस वक्त, कोई पार्लियामेंट सेशन ना हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन ना हो, तो उस वक्त आप अर्जेंसी को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं कि आप उठे बैठे ऑर्डिनेंस को पास कर देंगे किसी पर भी. सो इफ देर इज अ नीड ऑफ अर्जेंसी एंड इट हैज टू बी ऑन द कम्स अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट्स, उसी सब्जेक्ट्स के पर आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं ताकि वो कल के रोज उसको लॉ बना सके. तो ये जो एंटी कन्वर्शन लॉ है इसको लाया गया था 24 नवंबर को 2020, 24 नवंबर को, 28 नवंबर तक गवर्नर की असेंट भी मिल चुकी है. बट हवेवर इसकी वजह से कई सारे इंटिमिडेशन हो रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे. राइट, एंड दिस ऑर्डिनेंस पावर इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर, याद रख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं कि कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसा नहीं है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस इन दिस काइंड ऑफ पासिंग द ऑर्डिनेंस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में भी जान लेते हैं. तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब भी अब अगर आप ऑर्डिनेंस को पास कर रहे हैं, तो पहले तो ऐसा था कि 38th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो एक क्लॉज को इंसर्ट किया गया था अंडर आर्टिकल 123, जहाँ पे एक पावर है प्रेसिडेंट का जो उसके तहत वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को. बट हावेवर पहले आर्टिकल जो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत ये कोई कोर्ट के अंदर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट जस्टिकेबल टू द कोर्ट. सपोज कल के रोज प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, दे आर कमिंग विथ एन ऑर्डिनेंस. ओके, एंड सपोज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे, तो पहले तो आपको कोर्ट में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था. देन आफ्टर 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इस डिसीजन को फिर से रिवाइज किया गया है.
रिवर्स कर दिया गया है, अंडर जुडिशियल रिव्यू लाया गया है। और इस वक्त अगर आप देखें तो बोथ ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट आर जस्टिकेबल। आप इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, इसीलिए कई सारे ऐसे पिटिशंस फाइल किए गए हैं अलाहाबाद हाई कोर्ट में। एंड अलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ क्वेश्चन द यूपी गवर्नमेंट एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई, राइट? सो दिस इज अ नेसेसिटी, बिकॉज नेसेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है कि गवर्नर सेटिस्फाई, क्या बेसिस पे सेटिस्फाई होकर ऑर्डिनेंस पास किया गया है, बट हाउएवर इट डज नॉट गो इन टू द सफिशियंसी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, राइट? कि ये लॉ लाने की वजह से सफिशियंट होगा, इसके ऊपर आप कोर्ट कोई भी आलोचनाएं नहीं करेगा। बट हाउएवर सो गवर्नर सेटिस्फैक्शन के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे इसमें, चाहे गवर्नर हो प्रेसिडेंट हो, कि क्या सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर आपने इस ऑर्डिनेंस को लाया है, क्या आपके पास डाटा है, वो आप कोर्ट को सबमिट कीजिए, तब जाकर कोर्ट में डिसाइड होगा। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंस, क्योंकि 44th अमेंडमेंट के बाद एक अच्छा सा स्टेप लिया है, वरना ऐसे तो कई सारे ऑर्डिनेंस कई सारे स्टेट में पास किए जाएंगे, इवन दो इट इज नॉट कम अंडर द सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप अंडर जुडिशरी। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ द क्वेश्चन आस्क इफ दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यस, दिस ऑर्डिनेंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दे आर जस्टिकेबल, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं, करंट अफेयर पे आते हैं, कि यूपी एंटी कन्वर्शन लॉ होता क्या है, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं यूपी में, क्या क्या इसके प्रोविजन्स हैं, हम जानेंगे। देखिए, सो यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्शन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस, ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है। 2020 में इसको लाया गया था, नवंबर, जैसे मैंने आपको बताया 24 नवंबर 2020 को इसको लाया गया था वाया ऑर्डिनेंस की वजह से, राइट? तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस बताए गए हैं, तो बेसिकली ऐसे चीज़ों को ये प्रोहिबिट करता है जो कोहर्शन, फोर्स या फिर अल्यूरमेंट, फ्रॉड, फ्रॉड की वजह से आपको रिलीजियस कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन टू हिंदू, कोई भी रिलीजन हो, राइट? अगर आपको चाकू के नोक पे रखकर आप कह रहे हैं कि रिलीजियस कन्वर्ट हो जाओ, फोर्स लगा रहे हैं आपको, देन इट विल प्रोहिबिट, इट विल प्रोहिबिट सच काइंड ऑफ रिलीजियस कन्वर्शन। और अगर आप विलफुली, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में देखिए आप, सेकुलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आप कोई भी रिलीजन कन्वर्ट नहीं हो सकते, आपकी मर्जी है, आपके वेल एंड विश है, और आप सेकुलरिज्म हमारा जो प्रियम्बल में भी मेंशन है, तो अगर आप खुद खुशी से आप कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट रहते हैं आपके, जो आईएएस ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हैं, उनको आप 2 महीने से पहले नोटिस देना चाहिए कि मैं इस रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, राइट? सो दिस इज अ प्रोविजन, एक प्रोविजन में ऐड किया गया है, राइट? अगर आप बिना बताए, बिना कोई नोटिस के मैरिज करके, कोई भी सपोज मुस्लिम हिंदू, दे आर मैरिजिंग एंड दे आर कन्वर्टिंग टू द मुस्लिम रिलीजन, तब वो मैरिज आपको अंडर द गवर्नमेंट, अंडर दिस लॉ, इट विल बी डिक्लेयर एज ए नल एंड वॉइड, उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा, राइट? उसका कोई प्रॉपर लॉ भी नहीं होगा, और कोई भी ऐसा वॉयलेशन, ऐसे रूल्स के वॉयलेशन भी करता है, तो उसको 1 ईयर तक आपको पनिशमेंट मिलेगी, जेल टर्म रहेगा, और इसको 5 साल तक ये लोग एक्सटेंड कर सकते हैं विद अ फाइन ऑफ 15,000 रुपीज़, याद रख लीजिए। सो इट हैज़ ए जेल टर्म ऑल्सो एंड इट इज़ अ नॉन बेलेबल अफेंस, आपको बेल भी नहीं मिलेगी इस पर, इट्स अ नॉन बे कम्प्लीटली नॉन बेलेबल अफेंस, नॉन बेलेबल क्रिमिनल अफेंस दिया जाता है आपको, राइट? एंड द जेल टर्म, इफ इट, इफ द लॉ, इफ द प्रोविजन्स आप अगर आप वॉयलेट करते हैं, तो 1 ईयर से लेकर 5 साल तक इसको एक्सटेंड किया जाता है विद द फाइन ऑफ 15,000। अगर वही आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको कोई ज़बरदस्ती से आप कन्वर्ट कर रहे हैं, और माइनर वुमेन हैं आप, या कोई भी वुमेन ले लीजिए आप, माइनर या कोई भी वुमेन, आप ज़बरदस्ती से उनको कन्वर्ट कर रहे हैं बाई पैसा देकर या कुछ भी हो, देन दिस जेल टर्म विल इंक्रीज फ्रॉम मिनिमम 3 ईयर्स टू, एंड इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स। फाइन भी आपको 10,000 बढ़ा दिया गया है इसमें, 25,000 रुपये फाइन कर दिया गया है, राइट? सो 25,000 रुपीज़ फाइन भी इसको बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट, अगर आप कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ पे मास कन्वर्शन चल रहा हो, राइट, कोई क्रिश्चियन मिशनरी हो या मुस्लिम मिशनरी, जो भी हो, कोई भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी वन, आप मुझे बुरा मत समझिए, मैं जस्ट आपको करंट अफेयर जो भी है वो बता रहा हूँ। तो कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो मास कन्वर्शन कर रहे हैं, तो उनको भी आप 10 साल के तहत इनको जेल टर्म होगी, एंड 50,000 रुपीज़ इनको फाइन लगेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, राइट? सो इसी वजह से क्या हो रहा है, बट हावेवर ये लॉ इसीलिए लाया गया है कि ताकि आप फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शन को रोके। बट हावेवर इस लॉ के तहत कोई कई सारे राइट्स इश्यू आ रहे हैं,
क्योंकि सेक्शन 7 क्या प्रोवाइड करता है इस लॉ का, कि अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन से कि भाई कोई ऐसा लड़का लड़की है, दे आर इन्फ्लुएंसिंग देम कि प्रॉपर रिलीजन में आप कन्वर्ट हो जाए, देन इट हैज़ गिवन द पावर टू द पुलिस ऑफिसर के अंडर CRPC के विदाउट वारंट एंड विदाउट नोटिस टू द मैजिस्ट्रेट दे कैन अरेस्ट द पीपल, दे कैन अरेस्ट द बॉय, दे कैन अरेस्ट द गर्ल, वॉट एवर सो, राइट। तो यहाँ पे जो है बेसिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनको। जो बेसिक राइट क्या होता है कि वारंट होना चाहिए एंड दे हैव टू नो कि भाई क्या बेसिस पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, राइट। यहाँ पे पावर को मिसयूज करने के कई सारे चांसेस हैं, और अभी हाल ही में आपने कई सारे न्यूज़ में भी देखा होगा, राइट, कि कई सारे आर्टिकल्स भी छपे हुए हैं, दो लड़का लड़की हैं अगर आप ऑपोजिट रिलीजन हैं, इवन दो अगर वो कोई बाहर जाते हैं कुछ खाते हैं, कुछ पिज़्ज़ा वगैरह प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है आर्टिकल में इस आथर ने, कि एक लड़का जब पिज़्ज़ा ऑफर करता है लड़की को, इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ अल्यूरिंग हिम, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि वो अटेम्प्ट कर रहा है कि इसके रिलीजन में आ जाए, राइट। पहले तो हमने सुना रखा था कि शॉट गन वेडिंग्स आर ऑलवेज ऑफेंस, जहाँ पे वेडिंग्स पे आप शॉट गन यूज़ करते हैं, राइट। आपने कई सारे मूवीज में भी देखा होगा, अगर बारात आती है तो दे विल शॉट फायर ऑन एयर, तो उसको ऑफेंस माना जाता था, बट नाउ पिज्ज़ा इंड्यूस वेडिंग्स आर ऑल्सो ऑफेंस। सो ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पिज्ज़ा भी अगर खिलाते हैं किसी ऑपोजिट रिलीजन, देन इट ऑल्सो कम्स अंडर द ऑफेंस वेडिंग्स। सो ऐसा नहीं रहना चाहिए। सो वी हैव टू कम अप विद द प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। बिकॉज देखिए बेसिकली मैं आपको सेक्शन 3 की बात करें, सो इट विल प्रोहिबिट द कन्वर्शन और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन बाई फ्रॉड, कोहर्शन, फोर्सफुली। ठीक है, मैं भी हम लोग भी मानते हैं कि अगर जबरदस्ती कोई चाकू के नोक पे आपको कन्वर्ट कर रहा है, दे कैन कैन हैव ए कम्प्लीट जो है राइट टू अरेस्ट हिम, राइट, उसके उसके खिलाफ प्रॉपरली जो है एक लीगल एक्शन लिया जाए। बट हाउएवर ये लॉ को जो है आप मिसयूज कर रहे हैं, राइट, कि अगर आप विलफुल्ली अगर कोई कन्वर्ट होना चाह रहा है, देन देर इज नो प्रॉब्लम, नो बडी विल सपोर्ट इट, राइट। सो अगर वो शादी भी हो जाती है, शादी के बाद इफ हिंदू मैरी से क्रिश्चियन ले लीजिए आप, राइट, सो उसके जो हस्बैंड और वाइफ कोई भी कन्वर्ट हो जाते हैं, देन नो इश्यूज, के अडल्ट के राइट्स है भाई, अडल्ट के राइट्स है, दे डिजायर टू बी कन्वर्टेड, ओके, देन दूसरे लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है, राइट। अगर आप इनसे नाराज हैं, कोई रिश्तेदार अगर आप कोई कन्वर्शन से नाराज हैं, तो आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप उनको हरास करो, उनको मर्डर मर्डर तक करने चले जाते हैं, और कई सारे ऐसे मर्डर्स भी हो चुके हैं, हस्बैंड मर्डर्ड हो जाते हैं ऐसे केसेस में, ओके, वाइफ को निकाल लिया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है। इफ़ यू वॉन्टेड टू क्या है, आप उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, देन कैन कंप्लीटली कट ऑफ योर रिलेशन, ऐसा आप कर सकते हैं। बट हाउएवर यू हैव नो राइट कि आप किसी की ज़िंदगी से खेलें, किसी के राइट से खेलें, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर डूइंग राइट, दे आर अडल्ट एंड दे हैव ए फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 के अंदर क्लियरली मैंशन किया हुआ है, राइट। सो दिस विल पोसेस ए बिगर थ्रेट इशू, राइट। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें, एक ऐसा कोई लॉ नहीं है जो अभी हाल ही में लाया गया है, ब्रिटिश राज के ज़माने से ऐसे सारे लॉस को लाए जा रहे हैं, राइट। क्योंकि क्या हो रहा था, जब प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि पटना हो गया, उदयपुर, ये कोटा, ये सारे जब प्रिंसली स्टेट्स थे, जब ब्रिटिश इंडिया रूल कर रही थी हमारे इंडिया में, तो दे आर कन्वर्टिंग इनटू द क्रिस्टियंस, राइट। कई सारे ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे जो लोगों को ज़बरदस्ती से कन्वर्ट किया कर रहे थे, तब भी ऐसे लॉस को पास किया गया था ताकि उनकी हिंदू जो रिलीजियस आइडेंटिटी है और मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको सेव कर सके, राइट। जैसे कि रायगढ़ स्टेट कन्वेंशन हो गया, 1936 में लाया गया था, राइट, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्शन एक्ट भी लाया गया था, तो कई सारे हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसमें भी कई सारे लॉस पास किए गए, जैसे तमिलनाडु में भी एक लॉ लाया गया था, मुझे वो नाम उसका सिमिलर ही था, प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2002 में कभी लाया गया था, और उसके बाद गुजरात में भी ऐसे सारे लॉस लाए गए थे, उत्तराखंड में भी ऐसे लॉस लाए गए थे। तो दिस इज नॉट द न्यू लॉ, बट हाउएवर हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था ड्यू टू पावर इश्यूज, तो नाउ वी आर बैक टू लेक्चर। तो हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले थे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे जजमेंट ऐसे पास किए गए हैं कि स्टेट और कोर्ट्स का कोई हक नहीं है कि आप किसी अडल्ट अब्सोल्यूट राइट के इंटरफेयर करें। आप उसका एक प्रॉपर राइट है कि अपने लाइफ पार्टनर को वो चुन सकता है, एंड बेसिकली इंडिया इज़ ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस की इतने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है यहाँ पे, कई सारे रिलीजन है, फिर भी हम सब सारे रिलीजन मिलकर रहते हैं, एंड वी कैन नॉट इंटरफियर, कि स्टेट और कोर्ट्स के अभी इंटरफियर नहीं कर सकते, बिकॉज अडल्ट राइट टू हैव ए लव एंड मैरी
एंड दे हैव राइट टू चूज देयर पार्टनर्स ऑन देयर बेसिस ऑफ फ्रीडम्स, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ लॉस क्या कर रहे हैं, जितने भी एंटी कन्वर्शन लॉस है. सो हाउएवर, सो वी हैव टू हैव ए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, कि ऐसा नहीं, अगर प्रॉपर कंप्लेंट आए आपको, उस न्यूज़ को जो भी रिपोर्ट है आप उसको प्रॉपर जांच करें, उसके बेसिस पे आप इस लॉ के तहत अरेस्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पार्टी की बात सुन लिए, किसी फेक न्यूज़ पे भी आप भरोसा करके कि यू आर अरेस्टिंग विदाउट एनी वारंट इनोसेंट पीपल ऑल्सो. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट भी पास किए गए. हदिया जजमेंट जो 2017 में वेरी फेमस जजमेंट्स रहा है, केरला का एक इशू था, जो यहाँ से ही आपको लव जिहाद का टर्म मेंशन करना शुरू कर दिए गए. इवन दिस यूपी एंटी कन्वर्शन लॉ ऑल्सो, कई लोग इसे लव जिहाद भी कहते हैं, राइट? तो हदिया केस में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है, देखिए अगर आप किसी की आइडेंटिटी जानना चाहते हैं तो उससे आप उसका ड्रेस, उसका फूड, उसकी आइडियोलॉजी, उसके प्रॉपर आइडियाज, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि राइट टू चूज ऑफ लाइफ पार्टनर, राइट, ये भी इट कम्स अंडर द आइडियोलॉजी. सो ऐसा नहीं कि आप उसको वायलेट करें, राइट, और उसको प्रॉपर सेक्शन के अंदर आपको उसके जेल में डाल दे, राइट? नेक्स्ट हुआ लता सिंह केस भी हुआ था 1994 में. उस वक्त क्या हुआ था, इंडिया इज अंडरगोइंग सच ए ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी स्ट्रांग हो सकता है तब हम इसके जितने भी प्लुरालिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जितने भी कल्चर के डाइवर्सिटी बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप उसको मानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तब जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रांग माना जाता है, राइट? तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है पॉइंट, कि इंटर रिलीजियस मैरिज अगर कोई हो रहा है बिटवीन टू लव वंस, सो वी हैव टू, अगर रिलेटिव्स को कोई प्रॉब्लम है, दे कैन कट ऑफ देयर सोशल रिलेशंस रादर देन रिसोर्ट टू वायलेंस और हरासमेंट, राइट? किसी को वायलेंस या हरासमेंट करने से आप कट ऑफ करना ही बेहतर है. और उसके बाद सलामत अंसारी प्रियंका का केस भी आया था इलाहाबाद कोर्ट जो 2020 में, तो जब भी यही कहा गया है कि दे हैव अ राइट टू चूज ए पार्टनर अंडर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, क्योंकि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसके तहत उनको प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं कि अपने पार्टनर को चूज कर सके, राइट? एंड कई सारे इससे पहले भी केसेस को अपहेल्ड किए गए हैं, राइट? सो ये सारे चीज़ अगर आप देखेंगे तो इवन दो सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विथ सम लैंडमार्क जजमेंट, बट हाउएवर अगेन दिस लॉस आर मिसयूजिंग. तो अभी प्रॉपर स्टेप्स लेना बाकी है, प्रॉपर गाइडेंस करना भी बाकी है, बिकॉज लॉ को आप कब इम्प्लीमेंट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, रादर देन लॉ किस तरह से लाया गया है, राइट? तो चलिए क्या क्या इश्यूज हैं. सो ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट पोजेस ए बिगर राइट्स इशू, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ भी है ये, राइट? एंड नाउएडेज अगर आप सोसाइटीज की बात करें तो वी हैव ए स्टिल पैट्रियार्कल रूट्स, राइट? इवन दो वी आर ब्रिंगिंग चेंज इन अवर सोसाइटी, बट हवेवर कई सारे ऐसे विलेजेस हैं, कई सारे ऐसे टाउन्स हैं वहाँ पे अभी भी पैट्रोलिकल सोसाइटी फॉलो की जाती है, जहाँ पे वुमेन को एक इन्फेंटलाइज कर दिया जाता है, प्रॉपर एक पेरेंटल कम्युनिटी में रखा जाता है, उनका कोई हक नहीं होता कि अपने डिसीजन से खुद ले पाए, राइट? उनका जो राइट टू टेक लाइफ डिसीजन है उनको भी डिनाई कर दिए जाते हैं, गार्डियंस जो कहते हैं जहाँ कहते हैं उनको मैरिज करना पड़ता है. ये हिस्टोरिकल से चलता आ रहा है, बट नाउ इट्स टाइम टू कम अप विद अ न्यू स्टेप्स. वी हैव टू रिनोवेट अवर सोसाइटीज ऑल्सो, राइट? और कई सारे वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजेस में लाए गए थे, जैसे कि शफीन जहा वर्सेस अशोक केब 2018. तो ये यहाँ पे भी, कहाँ पे भी देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आर्टिकल 21 को ही ज्यादा पे फोकस किया गया है, राइट? सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स एंड फ्यू जजमेंट्स जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? और हमारे जो ऑथर हैं मदन बी लोखर जी, वो भी ये कहते हैं कि ऑर्डिनेंस जो लाया गया है इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं आगे चलकर. आप इस लॉ की वजह से एक माइनॉरिटी को भी आप टारगेट कर सकते हैं, और पर्सनल चॉइस ऑफ पार्टनर हैं उसको भी आप वायलेट कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी भी जा रही है इसमें, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, एवरीथिंग इज गोइंग अंडर कॉम्प्रोमाइज, राइट? और दिस लॉ इज कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसको दोबारा रिव्यू किया जाए और दोबारा इसके प्रोविजंस को चेंज किया जाए और इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, यही सजेस्ट करते हैं हमारे ऑथर भी इस आर्टिकल में. तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया है, सॉरी फॉर द इशू. तो आपको क्लियर पिक्चर हो गया कि यूपी एंटी कन्वर्शन लॉ होता क्या है, क्या क्या इसके प्रोविजंस है, ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है गवर्नर का, वो भी हमने डिस्कस किया है, और वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी हमने, मैं आपको बता दिया हूँ. अगर आप एग्जाम लिखने तो इस जजमेंट को मेंशन कीजिए, इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर पेपर. तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आऊँगा. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.